संजोली इंजन घर के समीप लोअर सांगटी में एलपीजी के गैस रिसाव होने से धमाका हुआ है। धमाके से पूरी लोअर सांगटी दहशत में आ गई है। सुबह के समय लोग भी धमाके की आवाज सुनते ही अपने घरों से बाहर निकल गए। ये धमाका लोअर सांगटी के रमेश कुमार शर्मा के घर में सुबह 6:40 पर हुआ है। धमाके में वे झुलस गए हैं और बेहोश भी हो गए थे। घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से IGMC शिमला ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। संजोली इंजन घर के समीप लोअर सांगटी में एलपीजी के गैस रिसाव होने से धमाका हो गया। धमाके से पूरी लोअर सांगटी दहशत में आ गई है। सुबह के समय लोग भी धमाके की आवाज सुनते ही अपने घरों से बाहर निकले। ये धमाका लोअर सांगटी के रमेश कुमार शर्मा के घर पर सुबह 6:40 पर हुआ। धमाके में वे झुलस गए हैं और बेहोश हो गए। घायल को IGMC अस्पताल के लिए एम्बुलेंस में ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है। वे लगभग 20% तक झुलस गए हैं। वहीं धमाके की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसे मौके पर अग्निशमन के CFO JC शर्मा और DFO DC शर्मा भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि LPG के गैस रिसाव के धमाके से घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां टूट गए हैं। अग्निशमन विभाग के अनुसार धमाका होने से घटनास्थल में लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।